स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहिन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पूर्व पार्षद जोहन सिन्हा पर कार्रवाई की मांग को लेकर भाजपा नेताओं ने छावनी थाने और स्मृति नगर चौकी में पुलिस को सौंपा ज्ञापन। तिरंगे का अपमान करने का लगाया आरोप। कोरोना के बूस्टर डोज की हुई शुरुआत। भिलाई में नगर निगम आयुक्त सहित अन्य फ्रंटलाइन वर्करों ने लगाई डोज। दुर्ग जिला पुलिस ने किया चोर गिरोह का पर्दाफाश। जिले में कई चोरी की घटनाओं को दिया था अंजाम। आरोपियों से 77 लाख का मशरूका हुआ बरामद। अब खबरें विस्तार से। हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स के बूस्टर डोज की शुरुआत हो गई। दुर्ग कलेक्टर ने भी अस्पताल में बूस्टर लगवाया। वहीं निगम कार्यालय में वैक्सीन का बूस्टर आयुक्त ने लगवाया और पहला डोज कर्मियों का बढ़ाया उत्साह। साथ ही शहर विधायक ने SLRM सेंटर पहुंचकर वैक्सीन लगवा रहे कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाया। हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स के बूस्टर डोज लगवाने की शुरुआत सोमवार से कर दी गई है, जिसमें दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, कोविड आइसोलेशन मेडिकल प्रभारी डॉक्टर रश्मि भूरे, डॉक्टर सुगम सावंत, CMHO डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर, दुर्ग CEO अश्विनी देवांगन ने भी टीकाकरण केंद्र पहुंचकर प्रिकॉशन डोज लगवाया। वहीं दुर्ग नगर पालिका निगम में भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए तीसरी लहर से बचाव के लिए टीकाकरण महाअभियान सोमवार से शुरू किया गया है। यहाँ आपको बता दें कि शासन के आदेशानुसार व जिला प्रशासन के निर्देश पर शहर के क्षेत्रों में वैक्सीनेशन का बूस्टर प्रकाशन केंद्र निर्धारित किया गया है। इसी कड़ी में नगर पालिका निगम कार्यालय में आयुक्त हरीश मंडावी ने SDM विनय पोयाम, कार्यपालन अभियंता NC जैन, स्वास्थ्य अधिकारी गिरीश दीवान, सहायक अभियंता जितेन समैया, प्रकाश अहिर, राजू बख्शी, लवकुश समेत अन्य कर्मियों के साथ वैक्सीन का बूस्टर प्रकाशन डोज लगवाकर निगम कर्मियों का उत्साह बढ़ाया। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए तीसरी लहर से बचाव के लिए टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है। 10 जनवरी से फ्रंट लाइन वर्कर्स, स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका निगम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, प्रेस एवं अन्य कर्मचारियों को वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाया जाएगा। ये डोज जिला स्वास्थ्य विभाग एवं नगर पालिका निगम वैक्सीनेशन सेंटर निर्धारित किया गया है। 18+45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति और वैक्सीन की दूसरी डोज को 9 महीने या 39 सप्ताह पूरे होने के बाद बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। इस मौके पर शहर विधायक कैबिनेट मंत्री अरुण वोरा ने वैक्सीनेशन लगाए जा रही जगह पहुंचकर फ्रंट लाइन वर्कर्स का हौसला बढ़ाया और कहा कि नया वेरिएंट शहर में तेजी से पांव पसार रहा है। हालांकि नया वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए लोगों को शहर में कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज स्वास्थ्य कर्मियों व फ्रंट लाइन वर्कर, जिनको दोनों डोज लगे 9 माह बीत चुके हैं, स्वास्थ्य विभाग ने निगम क्षेत्र के SLRM सेंटर एवं निगम कार्यालय में पहुंचकर वैक्सीन लगाने की अपील की है। जैसी वैश्विक महामारी से बचाव के लिए सरकार ने लगातार कारगर कदम उठाए हैं। पिछले बार जब कोरोना हुआ था तब भी सरकार पूरी तरीके से सचेत और सतर्क रहकर लोगों की जान बचाने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया था और उस समय कोविशील्ड और कोवैक्सीन इंजेक्शन लोगों को लगाए गए थे ताकि उनको यह संक्रमण से बचाया जा सके। उसके बाद अभी 15 से 18 साल के नौजवानों को कोवैक्सीन और कोवैक्सीन लगाया गया, जिसमें लगभग 60% का कार्य पूरा हो चुका है दुर्ग शहर में। और 18 से ऊपर वालों के एज की जो है उनमें लगभग 90% लोगों का हो चुका है। आज जो थर्ड डोज लग रही है बूस्टर, ये 9 माह के बाद बूस्टर लगाना अनिवार्य है। इसलिए राज्य की सरकार ने इस बात का निर्णय लिया कि सबसे पहले हम अपने फ्रंट लाइन के वर्कर और सफाई कर्मचारियों को यह बूस्टर डोज दिया जाए ताकि वे सुरक्षित रह सके, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाना होता है। जन समुदाय में वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, काम करते हैं, तो उनके लिए ये कार्य आज पहला दिन है। उसके लिए उसी कड़ी में आज हम लोग
नगर निगम के SLRM सेंटर में यहाँ पहुँचे हैं। ये 60 प्लस वालों के लिए बहुत ही जल्दी ये डोज लगाया जाएगा बूस्टर का। इसके लिए राज्य सरकार ने अपनी पूरी व्यापक तैयारियां कर ली है। मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी ही यह कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। शासन प्रशासन के निर्देशानुसार 60 प्लस एवं फ्रंट लाइन वॉरियर्स को कोरोना रोधी तीसरी बूस्टर सोमवार से लगाना प्रारंभ हो गया है, जिसमें निगम भिलाई द्वारा 15 स्थानों पर उचित व्यवस्था बनाई गई है। नगर पालिका निगम भिलाई के द्वारा शासन के आदेश पर कोरोना रोधी तीसरे बूस्टर लगाने हेतु निगम क्षेत्र में 15 स्थानों पर उत्तम व्यवस्था बनाई गई है। इन 15 स्थानों में से एक लाल बहादुर शास्त्री शासकीय चिकित्सालय भी है, जहां 60 वर्षों से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोरोना रोधी तृतीय बूस्टर लगाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही इस स्थान पर चिकित्सा विभाग से ताल्लुक रखने वाले फ्रंट लाइन वॉरियर्स भी अपना वैक्सीनेशन कराते नजर आए। बड़े बुजुर्गों के लिए बनाई गई इस व्यवस्था की जानकारी जहां बूस्टर लगा रहे टीम की एक सदस्य ने दी, तो वहीं एक बुजुर्ग माता पिता को तृतीय बूस्टर लगाने आए एक हितग्राही ने भी बेहतर व्यवस्थाओं के मद्देनजर शासन प्रशासन सहित निगम भिलाई की टीम का धन्यवाद किया। साथ ही निगम भिलाई के आयुक्त प्रकाश सर्वे ने निगम भिलाई प्रशासन द्वारा तृतीय बूस्टर लगाने हेतु 15 स्थानों पर की गई व्यवस्था की जानकारी ग्रैंड एशियन न्यूज को दी। अभी हमको कलेक्टर साहब की तरफ से निर्देश हुआ था कि 10 तारीख से जो फ्रंटलाइन वर्कर्स वगैरह हैं उनको बूस्टर डोज लगना है, तो हमने अपने निगम क्षेत्र के लिए 5 जोनों में सेंटर बनाया हुआ है और एक निगम हेडक्वार्टर में जमा सेंटर बनाया है, जिसमें सभी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर बारी बारी से आकर के अपना बूस्टर डोज लगवा रहे हैं। सर मेरा नाम मिसेस संध्या पाड़ी है। अच्छा मैडम, यहाँ देखा जा रहा है कि कुछ विशेष टीकाकरण चल रहा है, क्या टीकाकरण है और कितने वर्ष के उम्र वालों का चल रहा है? सर आज यहाँ प्रिकॉशन डोज बूस्टर डोज कह सकते हैं, थर्ड डोज लग रहा है 60 प्लस वालों को लग रहा है, और जिनका 10 अप्रैल से पहले सेकेंड डोज हो गया है उनको लग रहा है आज। आज यहाँ शुरुआत की गई है जी सर, मेडिकल जो मेडिकल फील्ड वाले हैं, FLW है, HCW है, उनके लिए, मतलब फ्रंट लाइन वॉरियर्स को बोल सकते हैं, फ्रंट लाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर जी, मेडिकल फील्ड से जो रिलेटेड है, और जिनका 60 प्लस जो है 10 अप्रैल से पहले जिनका सेकंड डोज हो गया। मैडम जैसा कि अभी यहाँ शुरू किया गया है, बाकी जगहों पर पहला दूसरा डोज की व्यवस्था की गई है, तो बूस्टर डोज कब ऐसे पब्लिकली कैंप लगा के किया जाएगा? सर उसमें कम से कम 15 दिन से करीब का टाइम लगेगा। वैसे तो सर जिनका भी 60 प्लस जो है, जैसे जिनका हो गया है, हम कह सकते हैं सेकंड डोज को 9 मंथ जिनका कंप्लीट हो गया है, उनको अवेलेबल होने लगेगा उनका डिटेल, तो उनको लग जाएगा, एलिजिबल है, लग जाएगा। इंद्रजीत सिंह सैनी, सैनी जी बताएंगे आज यहाँ पर आप 60 प्लस वालों का हो रहा है, आप तो 60 प्लस नहीं है, कैसे आए? मैं मदर और फादर को लेकर यहाँ आया था, ये बूस्टर डोज का हमको एक मैसेज आया था करके, तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो राज्य शासन की ओर से बहुत बड़ी सुविधा बना के यहाँ रखे हैं माननीय भूपेश बघेल जी, हमारे छत्तीसगढ़ के CM की ओर से बहुत अच्छा प्रयास है, यहाँ पे कहीं भी एक मतलब किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट के अंदर हम लोग वैक्सीन लगा के यहाँ से निकल ही रहे हैं बस। जैसा कि पिछला वक्त इतना ख़राब बीता है, क्या अपील करना चाहेंगे आम जनमानस से? सर मेरे भी दोनों डोज पहले लग चुकी हैं, मैं तो जिन्होंने अभी तक एक डोज नहीं लगाई है उनको बिल्कुल मतलब बहुत इसका बेनिफिट है। हमको फर्स्ट टाइम में मेरे को एक बार कोरोना हुआ था, फिर मैंने उसके बाद 2 महीने बाद डोज लगवाया, उसके बाद बहुत ख़राब माहौल रहा लेकिन हम बिल्कुल सेफ रहे। जिन मेरे भाइयों ने बहनों ने डोज नहीं लगवाई है, प्लीज़ उनको डोज लगाना बहुत ज़रूरी है, और जल्दी से जल्दी आके डोज लगवाएँ, और जो सीनियर सिटीज़न हैं उनको मैं अनुरोध करता हूँ कि जो उनका ये बूस्टर डोज है उसको जल्दी से जल्दी लगाएं। कोरोना की तीसरी लहर के तौर पर ओमिक्रॉन को देखा जा रहा है, जिससे बचने ये कोरोना रोधी तीसरा बूस्टर काफी मददगार साबित होगा। जिन लोगों को कोरोना रोधी दोनों टीके लग चुके हैं और 9 माह हो चुके हैं, वे तीसरा बूस्टर लगवा कर पूर्णतः सुरक्षित हो सकते हैं, जिसके लिए भिलाई निगम के द्वारा व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी डिजिटल मूल्यांकन के निरीक्षण के लिए रविवार को पहुंची। इस अवसर पर उन्होंने CSVTU भिलाई के ऑडियो वीडियो स्टूडियो का उद्घाटन किया और संक्षेप में एक उद्बोधन दिया। इस मौके पर CSVTU द्वारा गोद लिए गए 42 गाँव पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
माननीय राज्यपाल द्वारा इंजीनियरिंग और डिप्लोमा स्टूडेंट से सामान्य चर्चा भी की गई। माननीय राज्यपाल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज और राज्य को आपसे बहुत सी अपेक्षाएं हैं और हमारे होनहार विद्यार्थी अपनी योग्यता से छत्तीसगढ़ राज्य का नाम जरूर रोशन करेंगे। अभी हासिल की है, बहुत सारे यहाँ के स्टूडेंट निकलकर बाहर जाकर और अच्छी अच्छी कंपनियों में, इंटरनेशनल कंपनियों में जाकर आज उन्होंने एक आगे बढ़े और आप लोग भी जीवन में बहुत आगे जाए और मुझे खुशी होगी और एक दिन आपका जरूर जिस क्षेत्र में जाओगे तो जरूर मुझे याद करना। सोमवार से शासन की गाइडलाइन के अनुसार कोरोना से बचाव हेतु तीसरी बूस्टर लगाना प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत निगम भिलाई के सभागार में भी निगम कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने इसका लाभ उठाया। छत्तीसगढ़ शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा भिलाई नगर निगम क्षेत्र में 15 जगहों पर कोरोना रोधी तीसरा बूस्टर लगाने की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत नगर पालिका निगम भिलाई के सभागार में भी बतौर फ्रंटलाइन वॉरियर्स निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था बनाई गई है। इस तृतीय टीकाकरण अभियान में नगर पालिका निगम भिलाई की तरफ से नोडल अधिकारी सुनील अग्रहरि सहित अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपना टीकाकरण करवाया एवं अन्य जनमानस को इसके प्रति जागरूक भी किया। जिन लोगों को द्वितीय वैक्सीनेशन लगाए 9 माह से पूर्व हो चुके हैं, उन सभी ने इस विशेष आयोजन में अपनी उपस्थिति देकर खुद को कोरोना के संक्रमण से बचने हेतु तैयार कर लिया है। निगम भिलाई की तरफ से वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए नोडल अधिकारी सुनील अग्रहरि ने इसकी जानकारी ग्रैंड एसीएन न्यूज को दी। जैसा कि आज 10 जनवरी है और आज से FLW मतलब फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाया जाना है। ये बूस्टर डोज ऐसे FLW को लगाया जाएगा जिनका 9 महीना या 39 सप्ताह पूर्ण हो गया है, 9 महीना पूर्ण हो गया है, उनको ये डोज लगाए जाएंगे। इस डोज में जैसे कोविशील्ड का लगभग उस समय उस दौर पर लगाया गया था, तो वो वैक्सीनेशन के लिए हम लोगों ने भिलाई नगर निगम क्षेत्र में 15 पॉइंट्स तैयार किए हैं, जो पांचों हमारे जो नगर निगम के जोन है वहाँ पर भी हमारे जो नगर निगम के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है। हेड ऑफिस में व्यवस्था की गई है। 77 जो MLD है वहाँ पर भी सेंटर बनाया गया है। 3 पुलिस के जो केंद्र हैं वहाँ बनाए गए हैं। इस प्रकार के कुल 15 केंद्रों पर हम लोग आज FLW के लिए वैक्सीनेशन का जो दौर हम लोग काम कर रहे हैं। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि जिन भी जो FLW हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े जो लोग हैं जिनको पहले डोज लग चुका है, वो अपने मोबाइल नंबर की जानकारी के साथ जिस नंबर को उन्होंने पहले प्रवेश कराया था और अगर सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हो तो उसके साथ में वो अपना संपर्क स्थापित करके केंद्रों पर अवश्य बूस्टर डोज लगवाएं। सर, मैं शास्त्री अस्पताल गया था, वहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा मैंने देखा जो अभी तक पहला डोज नहीं लगाए हैं, क्या अपील करेंगे शहरवासियों से? देखिए, अभी जैसे जो कोविड के जो अभी केसेज आ रहे हैं उनके जो डेटा के आधार पर अपन देख रहे हैं कि जो जिन्होंने कोई भी डोज नहीं लिया है ऐसे केसेस काफ़ी मतलब बिगड़ रहे हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि जिन्होंने कोई भी डोज नहीं लगवाया है वो अविलंब अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के डोज लगवाएं, क्योंकि 15 केंद्रों में हम लोगों ने जो हमारे 5 स्वास्थ्य केंद्र है उसमें भी हम लोगों ने बूस्टर डोज की व्यवस्था की हुई है। जिस प्रकार अब तक कोरोना संक्रमण से जंग लड़ने के लिए लोगों ने अपने वैक्सीनेशन कर आए हैं, उसी तरह ये तीसरा बूस्टर लगवाकर हम सब कोरोना वायरस के संक्रमण से पूर्णतः सुरक्षित हो पाएंगे। ग्रैंड एसीएन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिला पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में 6 आरोपी की गिरफ्तारी भी की गई है, जिनके कब्जे से लाखों रुपए के जेवरात, नगदी आदि को बरामद किया गया है। दुर्ग भिलाई में बढ़ रहे चोरी की घटनाओं के मद्देनजर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर दुर्ग रेंज के IG OP पाल, SSP BN मीणा द्वारा पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे, जिस पर एक विशेष टीम बनाकर आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। अवधपुरी रिसाली के एक घर में ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरातों की चोरी की घटना के बाद पुलिस द्वारा CCTV कैमरे से आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर से पुलिस को श्याम नगर रिसाली गांव में कुछ लोगों द्वारा किराए से रहने की जानकारी मिली, जिनकी गतिविधियां भी संदिग्ध थी। पुलिस ने इन पर नजर रखकर पूछताछ की, जिस पर आरोपियों द्वारा 3-4 वर्षों से एक साथ मिलकर विभिन्न स्थानों में चोरी करने की घटना को स्वीकारा गया। पूरे मामले की जानकारी रेंज के IG OP पाल ने न्यूज टीम को दी है। दुर्ग पुलिस ने पुरानी चोरियों के मामले का खुलासा किया है। इसमें पिछले नवंबर से लेकर पिछले 3-4 सालों की करीब 40 चोरियां हैं जिनका खुलासा हुआ है। 3 आरोपी
जो चोरी किया करते थे और 3 अन्य जो चोरी के माल को खपाने में मदद करते थे। टोटल 6 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। इनसे और पूछताछ की जाएगी और इसके आधार पर संभावना है कि इनसे जुड़े हुए और भी कुछ लोगों का पता चले। इनके पास से 1 किलो 300 ग्राम सोने के आभूषण, लगभग 7 kg चांदी के आभूषण और 1 लाख रुपया कैश इनके पास से बरामद किया। तो सर, कैसे चोरी करते थे, कैसे घटना को अंजाम देते थे? इनकी जो वारदात देने का इनका जो तरीका था उसमें ये लोग पहले साइकिल से रेखी करते थे और सुने मकानों का पता लगाते थे। ये काफ़ी शातिर लोग हैं। ये भी देखा करते थे कि इस घर के सामने अखबार इत्यादि कई दिनों से पड़ा हुआ है। इसके आधार पर ये संतुष्ट होने के बाद भी जो घर के लोग हैं काफ़ी दिनों से बाहर हैं कि उन मकानों में चोरी किया करते थे, चोरी रात में करते थे। चोरी की वारदात करने के लिए और उस माल को खपाने तक की अवधि में ये लोग एक किराए के मकान में रहा करते थे, न कि अपने घरों में, और इसके लिए उन्होंने रिसाली में एक किराए का मकान ले रखा था। मैंने बताया इसमें 41 मामले अभी तक इसका खुलासा हुआ है और जो मशूका है जो अभी तक गया है 41 मामले उसका लगभग 40% तो हमारे सामने है, बाकी इनसे पूछताछ में और बरामदगी। टोटल बरामदगी 1 किलो 300 ग्राम सोना, बाजार मूल्य अब बाजार मूल्य जो भी ले लीजिए 50,000 रुपये तो 10 ग्राम का लगभग 65 ग्राम के 65 लाख का सोना होगा। इसी तरीके 7 kg चांदी है, 5-1 लाख की वो भी होगी और 1 लाख रुपया कैश है इनके पास, लगभग 70 लाख से ऊपर। बहरहाल आरोपियों की निशानदेही पर 77 लाख रुपए के सामानों को जब्त कर लिया गया है। आरोपियों ने क्षेत्र में चोरी की अनेक घटनाओं को स्वीकारा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ संजय दुबे की रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई चरोदा में महापौर की पहली बैठक निगम महापौर निर्मल कोसरे के कक्ष में सम्पन्न हुई। इस बैठक में निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर सहित निगम के अधिकारी शामिल रहे। पहली बैठक में महापौर एक्शन मोड में दिखे। उन्होंने पदभार ग्रहण करते ही अधिकारियों कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लगातार वार्डों में साफ सफाई कार्य तेज करें, वही सभी कर्मचारियों को समय पर ऑफिस पहुंचने कहा। साथ ही क्षेत्र के विकास कार्य को लेकर महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। बैठक को लेकर महापौर निर्मल कोसरे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मेरा चूंकि काम का आज पहला दिन था, छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में कोविड का महामारी जो है वो फिर से पैर पसार रही है, निगम प्रशासन की ओर से जनता को हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगाएं, वैक्सीनेशन कराएं और जितना जल्दी हो सके हम इस कोरोना से छुटकारा लें, इसी की तैयारी के लिए आज हेल्थ विभाग के डॉक्टरों को, हमारे निगम के कमिश्नर और हमारे निगम के स्टाफ और महिला बाल विकास को बुलाए थे तैयारी के संदर्भ में कि कोरोना ज़्यादा हमारे निगम क्षेत्र में और छत्तीसगढ़ में ना फैले। मैं आम जनता से अपील करना चाहूँगा कि जो टीकाकरण नहीं कराए हैं वो टीकाकरण कराएं और बगैर मास्क के ना निकलें, कोविड गाइडलाइन का पालन करते रहें। निगम अमला भी जाएगा, उनको जो भी शिकायतें जिस आधार पर शिकायतें आम पब्लिक के आएगी, आम पब्लिक को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। मैं व्यापारियों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि कोविड समय में सबका साथ दे और किसी भी प्रकार के परेशानी हमारे भिलाई चरोदा की जनता को न हो। और कोई भी शिकायत आता है, यदि ओवर रेट की शिकायत आता है तो निगम प्रशासन उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेगी। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। गोविंद सिंह बादशाह दरवेश, गुरु गोविंद सिंह हक हक अगा, गुरु गोविंद सिंह बादशाह दरवेश, गुरु गोविंद सिंह। Yeah.
चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, जी हां, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में वन नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहां चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध है। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है, पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है, बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली, हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज सारी वेराइटी हमारे पास है, तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991100, 07884230926। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, जी हाँ, बाघ नदी से पहले पुरई डबरी के पास सर्व सुविधा युक्त ढाबा, स्वादिष्ट भोजन के साथ ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा। छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित आप सभी आने जाने वाले यात्रियों का स्वागत करता है। शुद्ध शाकाहारी फैमिली के लिए अलग केबिन जो कि सर्व सुविधा युक्त है, साथ ही ड्राइवर भाइयों के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध, फैमिली सहित रुकने की सुविधा, अलग से सुंदर व्यवस्था। कृपया पधारकर सेवा का लाभ अवश्य देवें। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, निवेदक पृथ्वी सिंह, ढाबा संचालक। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रामा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर सुपेला, भिलाई छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7773077111, 7773077122। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी कैंप मंडल ने पूर्व पार्षद जोहन सिन्हा पर न्यायोचित कार्रवाई करने छावनी थाने में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पूर्व पार्षद पर तिरंगे का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। पूर्व पार्षद जोहन सिन्हा के खिलाफ न्यायोचित कार्रवाई करने की मांग को लेकर भाजपा कैंप मंडल अध्यक्ष अनिल सोनी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाना छावनी में पुलिस को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में पूर्व पार्षद पर जन्मदिन के दिन तिरंगे झंडे वाला केक काटने का आरोप लगाया गया है। साथ ही कहा गया है कि इससे देश के करोड़ों लोगों की आस्था पर कुठाराघात हुआ है
और तिरंगे झंडे का अपमान किया गया है। ज्ञापन को लेकर अध्यक्ष अनिल सोनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। छावनी थाने में हमारे द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है, ज्ञापन देने का कारण ये है कि एक पूर्व कांग्रेसी पार्षद वार्ड नंबर 27 शास्त्री नगर पैरावासी जोहन सिन्हा, जो कांग्रेस के पूर्व पार्षद हैं और उनके द्वारा अपने 2 जनवरी को उनका जन्मदिवस था, जन्मदिवस के दिन उन्होंने तिरंगे का स्वरूप बना के जिसमें मोमेंटो लगा हुआ है, अशोक चक्र लगा हुआ है, तीनों कलर उसमें हैं, और बना के उसका केक काटा उन्होंने। तो ये सार्वजनिक रूप से तिरंगे का अपमान है, देश का अपमान है, इसको लेके हमने थाने में ज्ञापन दिया और कार्रवाई की मांग करते हैं और कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं। किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में निश्चित तौर पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे, उग्र प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि देश के साथ स्वाभिमान तो बर्दाश्त कोई भी देशभक्त नहीं कर सकता है। क्योंकि आपकी पार्टी के यहाँ पर लोकसभा सांसद भी हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, तो इस प्रकरण की जानकारी उन तक पहुँचाने का प्रयास किया गया क्या? बहुत जल्दी वो आजकल में डेलीगेट्स बना के हम उनके पास जाएंगे और ये बातें उनके सामने रखेंगे। बहरहाल भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन करने की बातें कही हैं, साथ ही इस घटना से पार्टी के सांसदों को भी अवगत कराने का निर्णय लिया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। आज यूमो के युवा नेता कुमारपाल सिंह ने स्मृति नगर चौकी प्रभारी को शिकायत कर अवगत कराया है कि उनकी मोबाइल पर एक फोटो आई है जो कि जोहन सिन्हा की थी। जोहन सिन्हा कांग्रेस के पूर्व पार्षद रह चुके हैं। फोटो में दिखाई दे रहा है कि वह तिरंगे का केक काट रहे हैं। कंवरपाल ने कहा कि देश के तिरंगे व प्रतीक चिन्ह का अपमान है, देश के प्रतीकों का अपमान कर गलत कार्य करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कंवरपाल ने कहा कि अगर कांग्रेस नेता के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है तो युवा मोर्चा उग्र आंदोलन करने बाध्य होगा। 81 लाख के पटरी पार के जल भराव क्षेत्र में होगा नाला निर्माण, जिसका शहर विधायक व महापौर ने भूमि पूजन किया। शहर में कोरोना के केस हर रोज बढ़ते ही जा रहे हैं। बढ़ती रफ्तार की चिंता किए बिना विकास के कार्य सतत जारी हैं। हर वर्ष जल भराव की समस्या से निदान हेतु कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पटरी पार क्षेत्र के वार्ड 19 कैलाश नगर कैनाल रोड के मार्ग फिट आदित्य नगर एवं हनुमान नगर से शक्ति नगर नाला तक 81 लाख रुपए की लागत से पानी निकासी हेतु नाला निर्माण का कार्य का भूमि पूजन सोमवार को शहर विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल द्वारा किया गया। साथ ही संबंधित निर्माण एजेंसी को गुणवत्ता पूर्वक कार्य करने निर्देश दिया गया कि संबंधित क्षेत्र के निवासियों को निर्माण के बाद पानी भराव की शिकायत ना हो। इस संबंध में न्यूज टीम को शहर विधायक ने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो हमारा फोकस पूरा दुर्ग शहर है। दुर्ग शहर के साथ साथ हमने पटरी पार क्षेत्र में 9 वर्ष में लगभग 2 करोड़ से अधिक विकास कार्यों का हमने भूमि पूजन किया है। आज हमने आदित्य नगर और कैलाश नगर का नाला, जो हमेशा जल भराव की स्थिति में रहता था, डुमान में आ जाता था, बहुत से घर डूब जाते थे, पिछले दौरे में जब हम लोग गए थे तो वार्ड वासियों ने यह मांग की थी कि यहाँ पर पक्का नाला निर्माण कराया जाए, तो उसके लिए लगभग 1 करोड़ 50 लाख की लागत से 2 नालों का आज हमने भूमि पूजन किया है और भूमि पूजन होने के तत्काल बाद ये कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इस तरीके से जो दुर्ग में जल भराव की स्थिति है, विद्युत नगर में भी लगभग 1 करोड़ की लागत से नाला निर्माण किया जा रहा है, जो बहुत से वार्डों को प्रभावित करेगा। तो हमारा ध्यान ये है कि बरसात में लोगों के घर में पानी न घुसे। शंकर नाला का भी लगभग 13 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत है और 3 जगह काम प्रारंभ है, सीमांकन किया जा चुका है और बहुत तेज़ी से शंकर नाला का भी काम चल रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो नालों का जो वार्डों से होकर जा रहे हैं और जो मुख्य नाला है, जो शहर से लगभग 11 किलोमीटर लंबा नाला है, वो करीब 14 वार्डों को प्रभावित करता है, उसका निर्माण का भी कार्य जारी है। आपने देखा होगा कि इस बार बरसात में लोगों के जल भराव की स्थिति कम निर्मित हुई और आने वाले कुछ समय बाद जो अगली बरसात होगी तो ये स्थिति लगभग समाप्त हो जाएगी। टेंडेसियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। जिले में SBI क्रेडिट कार्ड धारकों से लगभग 10 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। ठगी का शिकार हो चुके हितग्राही SBI बैंक सेक्टर 1 का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी अधिकारी इस बात से पल्ला झाड़ते नजर आए कि SBI बैंक
और SBI कार्ड दोनों ही अलग संस्थान हैं। अगर आप भी SBI क्रेडिट कार्ड के ग्राहक हैं, तो सावधान हो जाइए। दरअसल आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके खाते से कब पैसा गुल हो गया। कई ऐसे फेक कॉल ग्राहकों को आ रहे हैं, जिससे OTP शेयर करने के माध्यम से उनके खाते से पैसे निकाल लिए जा रहे हैं। कई मामले में तो खाता धारकों को ये भी नहीं पता होता कि उनके नाम पर क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा जारी कर दिया गया है। जब एकाएक बैंक द्वारा खाते से क्रेडिट कार्ड की वसूली की गई, तब जाकर लोगों को पता चलता है कि उनके साथ धोखाधड़ी हो गई है। इसे लेकर स्वदेश मानव अधिकार संगठन के बैनर तले सोमवार को पीड़ित पक्षों का हस्ताक्षर लिया गया। वहीं सेक्टर 1 SBI बैंक के मुख्य प्रबंधक से बात भी की गई। बैंक प्रबंधक ने साफ कहा कि SBI बैंक और SBI कार्ड का कोई संबंध हमसे नहीं है। इस धोखाधड़ी को लेकर SBI बैंक किसी भी प्रकार की जवाबदारी नहीं रखती है। वही ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम जैसे ही बैंक पहुंची, SBI क्रेडिट कार्ड की टीम मौके से फरार भी हो गई। इस मामले में पीड़ित पक्ष और स्वदेश मानव अधिकार संगठन के पदाधिकारियों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि SBI जैसे प्रतिष्ठित संस्थान को इतनी बड़ी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। लोगों का विश्वास अब SBI से टूटने लगा है। जैसा कि हमने 2 दिन पहले यहाँ पे हमारे बीच में गोस्वामी जी हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पे इस प्रकार का मामला चल रहा है, तो आप जल्दी आओ। तो मैंने तुरंत आके यहाँ पे 70-80 लोगों का दस्तखत करवाया। सब ने बताया कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। हमारा कार्ड जो है उससे पैसे निकल रहे हैं। 7 लाख रुपये का सबसे बड़ा आदमी जो डोंगरगढ़ का रिटायर आदमी है, उसकी यहाँ शादी होने वाली है, पैसा पूरा निकल गया। तो मुझे बड़ा ये लगा कि हम लोग का जो स्वदेश जागरण स्वदेश मानव अधिकार संगठन है, इसके माध्यम से हम इनकी हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने क्राइम ब्रांच को बुलाया, तो उन लोग भी कुछ नहीं कर पाए। बोले हमारे बस की बात नहीं है ये, आप ऊपर बात कीजिए, इनका ऑफिस रायपुर में है। और फिर मैंने पेपर के माध्यम से सबको एकत्रित किया, आज शिविर लगाया, यहाँ बहुत लोग आए थे, सबकी सुनवाई हुई है। उन्होंने ये कहा, बैंक प्रबंधक ने, हम एक नोटिस जारी कर रहे हैं कि सभी कार्ड को बंद करने के लिए हम एक बैनर लगाएंगे, उसके माध्यम से सब लोग का समाधान हो पाएगा। और जो पैसे जो निकल गए हैं उसकी लड़ाई हम लोग रायपुर जाके लड़ेंगे, कलेक्टर से मिलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री को बताएंगे, सीतारमन जी वित्त मंत्री को बोलेंगे, इस टाइप के जो प्राइवेट फ्रॉड कर रहे हैं इस पर रोक लगे। जी मैडम, बताएंगे कि क्या हुआ था, कैसे आप तक कार्ड पहुंचा? मुझे दिया गया था कार्ड, कहा गया था कि मैंने मना किया लेने के लिए, जब मुझे बुलाया गया फोन करके, तो उन्होंने कहा कि कंपलसरी है इसको लेना। फिर मैंने जब मुझे मिला 15 सितंबर 2020 को ये कार्ड मुझे मिला था घर में, तो मुझे पता चला कि क्रेडिट कार्ड है। हाँ। तो मैंने जाके बैंक में सिर्फ बोला कि मुझे ये कार्ड नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ये तत्काल बंद कर देंगे। उसमें मैंने इनको आवेदन दिया कि आप बंद कर दे, तो उन्होंने बंद नहीं किया। उसके बाद फिर मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया था, वहीं मोबाइल मतलब बैंक में ही कॉल कर्मचारी ने लगाया था कॉल, और जो कॉल लगाया था वो फ्रॉड को लगाया था, जो नंबर बाद में जुलाई में मुझे मैसेज करके बताया गया कि वो फ्रॉड है करके। अच्छा। और उसके बाद फिर तो क्या नाम है, अक्टूबर में मुझे एक फोन आया कि मतलब मैसेज आया। हाँ। कि क्या बोलते हैं, आपको इतना पेमेंट करना है, 354 रुपीज। अच्छा। 354 पेमेंट करने के बाद फिर क्या बोलते हैं, 354 रुपीज मुझे बोला कि आप पेमेंट करो करके। हाँ। फिर मैंने पेमेंट किया बोला, नहीं मैंने बोला कि पेमेंट आप मेरे खाते से ले लेना। हाँ। तो उन्होंने पेमेंट नहीं ली। हाँ। मैंने बोला मुझे बंद कर चाहिए, अगर 300 रुपए भी आप लेके बंद करते तो आप बंद कर दीजिए। हाँ। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है मैडम, हम आपका ऑटो डेबिट कर देंगे। हाँ। तो लेकिन उन्होंने ऑटो डेबिट नहीं किया। 4 तारीख को 1 को उन्होंने मेरे अकाउंट से 254 रुपए लिया, उसी पर बोला कि मिनिमम बैलेंस हम आपके से लेंगे। हुँ. और क्या नाम है, अमाउंट बढ़ाते जाएंगे। हुँ. अमाउंट मतलब लिमिट बढ़ाते जाएंगे। हुँ. और ऑटो डेबिट आपका खत्म हो चुका है। हाँ. तो मैंने जाके बैंक को बोला कि आप करो, तो उन्होंने, मेरी मिसेस के नाम से क्रेडिट कार्ड है, 2 वर्ष पूर्व ये क्रेडिट कार्ड लिया गया था। इसमें राशि आहरण करने की जो सीमा निर्धारित थी वो 60,000 रुपए की थी, और 8 दिसंबर को 2021 को एक साथ 4 ट्रांजैक्शन इसमें किए गए हैं, लगभग 1,02,000 रुपए की राशि इसमें आहरित की गई थी, जबकि सीमा इसमें निर्धारित 60,000 रुपए की है। तो मेरा ये कहना है कि जब 60,000 रुपए की निर्धारित सीमा है अधिकतम, तो इसमें से एक साथ एक ही दिन में 1,02,000 की राशि कैसे आहरित हुई? और ये धोखाधड़ी से जो कॉल किया गया था, मेरी मिसेज के द्वारा कार्ड को बंद करने के लिए 8 दिसंबर को ही कॉल किया गया था, मगर कॉल जो है वापस जो किया गया वो किसी अवैध नंबर से किया गया था, और धोखाधड़ी से उनसे OTP मांगा गया। और मेरी मिसेज के द्वारा यह जानते हुए कि कार्ड में OTP कार्ड को बंद करने के लिए मांगा जा रहा है, लगातार 4 OTP उनसे मांगे गए, और उन्होंने
अनजाने में ओटीपी उन्हें दे दिया और लगातार चार राशि उनके खाते से आहरित की गई। फिर भी वो रकम ज्यादा थी, रकम जो मेरी निर्धारित सीमा है कार्ड की, उससे भी ज्यादा कैसे आहरित होगी, मेरा क्वेश्चन यही है। अगर गलती से मैंने ओटीपी दिया भी मेरी मिसेज ने तो इस राशि का आहरण 60,000 से ज्यादा कैसे। दो जनक अभी तक जवाब नहीं मिला है बैंकों के अधिकारियों द्वारा। उनका यही कहना है कि मेरा जो खाता है किसी और ब्रांच में है, आप जो संबंधित शाखा में आए हैं वो शाखा उस ब्रांच से संबंधित नहीं है जहां मेरा खाता है। तो मगर मैं अपना हाँ, और ये भी जानकारी दी गई है कि ये जो कार्ड जो इशू किया गया स्टेट बैंक के द्वारा वो प्राइवेट एजेंसी के द्वारा किया जाता है। ऐसे हालात में, ऐसे स्कैम होने के बाद, तो इतने बड़े संस्थान में जहाँ पर हर व्यक्ति का खाता स्टेट बैंक जैसे एक विशाल संस्था में होता है, जहाँ पर हर खातेधारी का एक विश्वास होता है कि मेरा पैसा घर से ज्यादा इस संस्था में सुरक्षित है, अब ऐसे हालात में तो सभी का जो विश्वास डोलना जो है स्वाभाविक है। और आगे जो हो सकता है कि इस तरीके के स्कैम के बाद हर खाताधारक जो यहाँ से राशि निकालने पे मजबूर हो जाएगा और स्वाभाविक है कि वो अपने निजी साधनों में जहाँ पर वो सुरक्षित महसूस करता है वहीं पर राशि को रखना सोचेगा कि मेरे लिए हिफाजत से। हम लोग 7 तारीख को ये घटना उजागर हुई थी, उसके बाद आज हम लोग ने ब्रांच मैनेजर से संपर्क किया, चीफ मैनेजर से, तो वहाँ पे उनके उच्च अधिकारी भी उपस्थित थे, जिनके द्वारा बड़ा हास्यप्रद चीज आज हमको जानने को मिली कि उनका ये कहना है कि SBI क्रेडिट कार्ड हमारा नहीं है, ये SBI क्रेडिट कार्ड प्राइवेट एजेंसी का है जिसके लिए हम कोई जवाबदार नहीं है। तो मैंने उनसे ये निवेदन किया कि अगर SBI क्रेडिट कार्ड अगर आपका नहीं है और अगर उसका म्यूचुअल फंड आपकी एजेंसी का नहीं है तो उसके व्यक्ति, अधिकृत व्यक्ति आपके ब्रांच के अंदर क्यों बैठते हैं। और मैंने उनसे डिमांड किया कि अगर क्रेडिट कार्ड में आज ऐसे ऐसे लोग, पीड़ित लोग आए हैं जिनको कार्ड तो मिला है लेकिन उनका पिन कोड भी चालू नहीं हुआ और उनके खाते से राशि कट रही है, कईयों के साथ ऐसी धोखाधड़ी कईयों के साथ। कितने लोग हैं लगभग और कितने के स्कैम? अभी कम से कम 50 लोग 100 लोग हैं, अभी उपस्थित ही 40-50 लोग हुए जिसपे इन्होंने कहा कि आप एक आवेदन दें, हम क्रेडिट कार्ड बंद कर देंगे। लेकिन बड़ा हास्यास्पद लगता है कि कई ऐसे हितग्राही थे जिन्होंने ये कहा कि हमने बंद करने के लिए 100 चक्कर काट दिए। मोटा मोटी स्कैम कितने का है? मुझे तो ये लगता है करोड़ों का स्कैम है और आगे भी ऐसी धोखाधड़ी पुनः होगी, प्रवृत्ति होती जाएगी। इसलिए हमारे स्वदेश मानवाधिकार संगठन की पूरी टीम ये चाहती है कि अगर वो SBI कार्ड, क्रेडिट कार्ड अगर वो SBI बैंक का नहीं है तो आज के डेट में उपस्थित सारे SBI क्रेडिट कार्ड को बंद कर देना चाहिए और लोगों को ये जागरूक करना चाहिए कि अपना अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उसकी जवाबदारी आपकी होगी, इसमें SBI की बैंक की कोई जवाबदारी नहीं होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कार्यक्रम हर बैंकों में हो रहे होंगे। तो माननीय कलेक्टर महोदय जी से मेरा निवेदन है कि दुर्ग जिले के गरीब जनताओं का भला करते हुए सारी बैंकों को ये आदेशित करें कि अगर वो कार्ड के आप जवाबदार नहीं है तो सारे क्रेडिट कार्ड बंद कर दिए जाए। बहरहाल आप भी क्रेडिट कार्ड का संचालन करते हैं या नहीं भी करते हैं तो भी एक बार अपने बैंक जाकर अपने नाम पर जारी सुविधाओं की जानकारियां जरूर लें, अन्यथा बाद में आपको पता चलेगा कि आपके खाते से धड़ल्ले से पैसे बैंक वसूल कर रही है लेकिन जवाबदेही सिर्फ आपकी होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट। दुर्ग में NSUI ने हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपा, UG व PG परीक्षा ऑनलाइन कराए जाने की मांग की। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में NSUI कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर ऑफलाइन परीक्षा आयोजित किए जाने को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस मौके पर सोमवार को दुर्ग हेमचंद यादव विश्वविद्यालय पहुंचकर NSUI कार्यकर्ताओं ने कोविड संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए UG व PG की परीक्षा ऑनलाइन कराए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि ऑफलाइन परीक्षा आयोजित किए जाने से शिक्षकों व छात्रों दोनों को ही भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। NSUI के प्रदेश सचिव आदित्य नारंग ने कहा कि वैश्विक महामारी के खतरे को देखते हुए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित किया जाना आवश्यक है, जिसे लेकर उन्होंने हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपा और छात्रों के हित में निर्णय लेने की मांग की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। जिले में COVID-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर वार्डवार COVID-19 जांच शिविर लगाया जा रहा है। इसी के तहत सोमवार को सेक्टर 7 में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के लोगों ने पहुंचकर शिविर का लाभ उठाया। शिविर को लेकर पार्षद लक्ष्मीपति राजू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुछ जानकारी मिली क्योंकि हम लोग चुनाव के बाद थोड़ा व्यस्त हो गए थे बीच में, तो मेरी टीम और मैं लगातार सेक्टर 7 आसपास क्षेत्र में मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं किस घर में कैसा है, कैसे क्या स्थिति है।
वो लगातार हमको जानकारी दे प्रतिदिन लेते रहे, तो हमको पता चला कम से कम 14 से 15 घरों में पॉजिटिव पाया गया है। तो इसको हम देखते हुए मैंने तुरंत इसकी जानकारी माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी, हमारे माननीय महापौर नीरज पाल जी को तुरंत तत्काल मैंने दिया। उन्होंने मुझे तत्काल बोला कि राजू आप जो भी वहाँ व्यवस्थाएँ बना सकते हैं निगम के माध्यम से, आप तत्काल उसको प्रारंभ करना चाहिए आपको और कार्य प्रारंभ कर दीजिए। तो मैंने निगम से संपर्क किया और हम लोगों ने आप देखा सेक्टर 7 मार्केट में और सेक्टर 7 के बहुत से सड़कों में जहाँ जहाँ पॉजिटिव था, हम परसों से ही रात से सैनिटाइजिंग शुरू कर दिए हैं, सैनिटाइजर करना शुरू कर दिए घरों में, पूरे सेक्टर 7 मार्केट में हो गया। उसके बाद संख्या को देखते हुए आज आप देख रहे होंगे सेक्टर 7 मार्केट में हमने कोरोना टेस्टिंग का शिविर लगाया है। हाँ, टेस्टिंग भी प्रारंभ है, बहुत से लोग सवेरे से टेस्टिंग करवा रहे हैं और मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि जैसे हम टेस्टिंग करवाते हैं तो अधिक से अधिक लोग, हमने व्हाट्सअप फेसबुक के माध्यम से आप सबकी जानकारी देते हैं, तो मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक लोग आए क्षेत्र के लोग और अधिक से अधिक लोग टेस्टिंग कराएं, क्योंकि यह बीमारी बहुत व्यापक रूप से फैल रही है और बहुत गंभीर रूप ले रही है, क्योंकि पहले की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही है। तो मेरा निवेदन है अधिक से अधिक टेस्ट करवाएं और घरों में रहें, सुरक्षित रहें, घर से निकलने से पहले आप मास्क का उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइजर का उपयोग करें। और जिस विगत जो 2-2.5 सालों से मैं और मेरी टीम जिस तरह मेरे क्षेत्र के लोगों जनता के साथ मिलकर कोरोना काल में काम कर रही, आज भी आप लोग का जो प्यार, आप लोग का सहयोग, आपके आशीर्वाद से हम लोग भारी मतों से चुनाव जीते हैं, तो आज भी हम आपके आपका जो ने आपका ऋण हमारे ऊपर आपका ऋण है, आपने हमारे को इस ऐसे समय में और इतने मतों जिताया, क्योंकि हम लोग आपके ऋणी हमेशा रहेंगे। और जिस तरह से पुराने समय से हम विगत 2.5 वर्षों से काम कर रहे हैं, वैसे ही आज भी आप लोग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके दुख सुख में खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जब भी जरूरत पड़े आप तत्काल मेरे कार्यालय में किसी को भेज दें या कोई फोन करें, मेरी टीम पहुंच जाएगी और हर संभव किसी भी स्थिति में हम आपके साथ खड़े हैं। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस, ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, हर्पिस सिंप्लेक्स, हर्पिस जेंटेलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिंप्लेक्स और हर्पिस जेंटेलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे खकोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम में से टूट जाते थे, और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं क्राउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। क्राउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वास्थ्य भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रेवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन,
special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home, away from home. Powerhouse railway station for bus stand se matra 500 meter par sthit. Hotel Shiv Prabha Inn and Town King the family restaurant. 46 T Market, apna KC Lodge ke baadu mein. Powerhouse Vilai. Contact 9892-15251 or 8966-981590. अभिजीत संजीवनी, अभिजीत संजीवनी ओम क्लीन, ओम नमो नारायण, राधे कृष्ण की गूंज के साथ ही तीर्थराज देवी निकुंबला जय शक्ति आश्रम में 7 अक्टूबर से 14 जनवरी 2022 मकर संक्रांति तक भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां राजलक्ष्मी मंदिर के आंगन में विराजित ठाकुर जी अपनी छटा बिखेर रहे हैं। जिला दुर्ग के ग्राम निकुम में स्थित है मां निकुंबला धाम, जिसे संत श्री माता जी द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। वही दुर्ग से बालोद मार्ग पर महज 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्राम निकुम, जहां लगभग 35 वर्ष पूर्व संत श्री माता जी के द्वारा मां निकुंबला धाम की नींव रखी गई थी। संत श्री माता जी को मां निकुंबला देवी ने स्वप्न में दर्शन देकर अपना स्थान बताया था। वही इस उद्देश्य को लेकर संत श्री माता जी ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति मित्र जो बाइडेन सहित गृह मंत्री, पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, जिला पंचायत, सरपंच, पंचगण से आशीर्वाद मांग अपना पत्र प्रस्तुत किया। इस भव्य आयोजन के तहत तीर्थराज देवी निकुंबला मंदिर व नगरी निर्माण कार्य में 4 एकड़ में मंदिर, 7 एकड़ परकोटा व 25 एकड़ परिसर भूमि के लिए 1,01,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। संत श्री माता जी ने इस भव्य आयोजन के तहत 99 दिवस प्रतिदिन 52 सेकंड राष्ट्रगान का आयोजन निकुंबला जय शक्ति आश्रम में किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तगण देवी निकुंबला आश्रम पहुंच दर्शन के बाद आश्रम में बने भोज ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही संत श्री माता जी के द्वारा शहर व गांव को स्वच्छ व सुंदर बनाने की दिशा में सैकड़ों स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार दिया गया है, जिसके तहत गांव की सुंदरता अलग ही नजर आ रही है। तो आप सब भी आगामी 14 जनवरी को होने वाले भव्य आयोजन के साक्षी बनने का लाभ लें। अभिजीत 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 संजीवनी अभिजीत संजीवनी संजीवनी संजीवनी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्राम उद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार रविवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मंत्री रुद्र कुमार ने रविवार को सुबह ट्विटर पर ये जानकारी शेयर की। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखने के बाद शनिवार को रायपुर में अपनी कोविड जांच कराई, जिसमें देर रात रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ट्वीट कर उन्होंने ये भी लिखा है कि मेरी तबीयत अभी ठीक है और मैं डॉक्टरों की सलाह पर होम आइसोलेशन में रहकर उपचार करा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इन दिनों जो जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं वे अपना कोरोना टेस्ट अवश्य कराएं। दरअसल शनिवार को पीएचई मंत्री दुर्ग जिले में महापौर सभापति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले थे, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए, जिसके बाद रायपुर के सरकारी आवास कार्यालय में पूरे स्टाफ के साथ कोविड टेस्ट कराया। एंटीजन टेस्ट में किसी भी स्टाफ की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई, लेकिन आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट में मंत्री रुद्र कुमार के साथ स्टाफ के 8 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। पीएचई मंत्री ने अपील करते हुए कहा
कि पिछले कुछ दिनों से जो व्यक्ति मेरे संपर्क में रहे आप सभी अपनी कोविड जांच करवा लें, और समस्त प्रदेशवासियों से ये कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करें और जब तक आवश्यक ना हो तब तक घर रहें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेन खरे की रिपोर्ट। 64 करोड़ के जीई रोड उन्नयन की धीमी गति पर वोरा की दो टुक 12 करोड़ के जेई रोड पर स्ट्रीट लाइट लगाने के कार्य पर नाराजगी उन्होंने दिखाई। 64 करोड़ की लागत से जीई रोड के उन्नयन और सौंदर्यीकरण कार्य की धीमी गति से ट्विन सिटी के नागरिक परेशान हैं। पिछले 1.5 साल से ये काम बेहद धीमी गति से चल रहा है। मालवी चौक पर भिलाई की ओर जाने वाली सड़क ब्लॉक करने के कारण यातायात में नागरिकों को परेशानी हो रही है। पिछले दिनों करीब 8 महीने तक इस मार्ग को बंद रखने के बाद 3 महीने पहले रोड पर आवागमन शुरू किया गया। इसके बाद इस मार्ग को दोबारा ब्लॉक कर दिया गया है। शहर की सबसे ज्यादा आवागमन वाले मार्ग का आधा हिस्सा ब्लॉक करने से मालवी चौक पर ट्रैफिक व्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। कई बार यहां एक्सीडेंट की नौबत भी आ जाती है। बावजूद इसके पीडब्ल्यूडी अफसरों को महीनों से परेशान हाल आम जनता की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं होते देखा गया। रोड के करीब आधा किलोमीटर हिस्से पर यातायात बंद होने से रोड की दूसरी साइड पर दोनों ओर की ट्रैफिक व्यवस्था का भार आ गया है। इसके कारण भिलाई और दुर्ग से आने जाने वाले नागरिकों को यातायात में समस्या होती देखी जा रही है। इस चौक से रेलवे स्टेशन, पटेल चौक, जेल मार्ग और भिलाई की ओर सड़कों पर हमेशा हैवी ट्रैफिक होता है। इसके बाद भी यहां रोड के उन्नयन का कार्य तेजी से नहीं हो रहा है। दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने जीई रोड के उन्नयन और सौंदर्यीकरण कार्य में तेजी लाने पीडब्ल्यूडी अफसरों को सख्त निर्देश दिए। वोरा ने पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ए.के. शिवा से कहा कि रोड के चौड़ीकरण सौंदर्यीकरण का कार्य तेजी से किया जाना है। वोरा ने साफ कहा कि इस मामले में किसी भी तरह की लेट लतीफी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वोरा ने कहा कि अफसरों से समयबद्ध काम की रिपोर्टिंग ली जाएगी, लेट लतीफी होने पर सख्त कदम भी उठाए जाएंगे। और उन्होंने कहा कि 12 करोड़ की लागत से जीई रोड पर प्रकाश व्यवस्था का काम भी शुरू नहीं किया गया है। मेरी माता चौक से डामरीकरण कार्य की शुरुआत करने के बाद विभाग ने ये काम भी बंद कर दिया है। इससे पहले वोरा ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर इन चीफ वीके भतभरी से भी जीई रोड निर्माण कार्य की धीमी गति की शिकायत की थी। शिकायत के बाद कुछ दिनों तक काम में तेजी रही, लेकिन अब काम में फिर ढिलाई बढ़ती जाती देखी जा रही है। पूरा ने दो टूक चेतावनी अफसरों को दी है। इस संबंध में कैबिनेट मंत्री बदरू शहर विधायक अरुण वोरा ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। ऐसी स्थिति आनी नहीं चाहिए, इसके लिए हमने अधिकारियों से कहा है। साथ ही साथ जितने जगह गड्ढे हैं उसका भराव किया जाना चाहिए। आयुक्त से मैंने कहा है कि आप ये पूरा एक प्रपोजल बनाएं दुर्ग की सड़कों के बारे में, और जाएं न केवल प्रपोजल बनाएं बल्कि उसका क्रियान्वयन भी करें। पीडब्ल्यूडी के अभी अधिकारियों से मेरी बात हुई है कि 70 करोड़ का जो रोड बन रहा है, सौंदर्यीकरण, डामरीकरण, यह कार्य भी बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं, और ये हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। जबकि मुख्यमंत्री जी ने इसका भूमि पूजन किया, लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर ये स्थिति आती है तो दुर्भाग्यजनक है। इसका काम बहुत तेजी से चालू होना चाहिए। आग को लेकर मैंने शिकायत तो नहीं की है, लेकिन विभाग के अधिकारियों से कहा है कि जब राशि है, राशि होने के बाद भी काम में ढिलाई क्यों? इस काम को बहुत तेजी से किया जाना चाहिए और बहुत जल्दी लोगों को सुविधा दी जानी चाहिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। स्वच्छता ही सेवा समिति द्वारा स्वच्छता अभियान के 194 सप्ताह में पुलिस ग्राउंड सेक्टर 6 में साफ सफाई कार्य किया गया। पार्क में फैली अनावश्यक झाड़ियों की कटाई कर गंदगी को साफ किया गया, साथ ही स्वच्छता वाहन चलाकर स्वच्छता पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। स्वच्छता ही सेवा समिति द्वारा स्वच्छता को लेकर पूरे शहर में अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत अभियान के 194 सप्ताह में पुलिस ग्राउंड सेक्टर 6 के समीप रहत रूप से समिति सदस्यों द्वारा साफ सफाई की गई। पार्क में फैली जंगली कटीली झाड़ियों की सफाई करने के साथ पत्तों के ढेर को हटाया गया। मैदान में स्वच्छता अभियान चलाने के साथ स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक किया गया, साथ ही स्वच्छता वाहन चलाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। गौरतलब है कि समिति द्वारा शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में
लोग जुड़ रहे हैं। बहरहाल इस अवसर पर मुख्य रूप से समिति अध्यक्ष प्रेमचंद साहू सहित सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। सेक्टर 1 वार्ड 54 के पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा की पहल से सेक्टर 1 सी मार्केट में पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा चल रहे कार्य का रोजाना मॉनिटरिंग भी करते देखे जा सकते हैं। वही वार्ड 53 सेक्टर 1 में भी पूर्व पार्षद पी श्रीनिवास द्वारा सैनिटाइजर का घर घर छिड़काव किया जा रहा है और लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता लाई जा रही है। लोगों को वार्ड में आज दवाई पहुंचाया गया है और उनसे जाकर जानकारी ली गई कि अगर कोई और घर के सदस्य को सिम्टम्स है तो उसकी वो जांच करा लें। साथ साथ में घर के अंदर जो लोग साथ में रह रहे हैं वो मास्क पहनकर घर के अंदर रहें और अपने आप को बार बार सैनिटाइज करते रहें। और कोरोना को टालने की जरूरत नहीं है। कोरोना की जांच होने के बाद अगर लगता है कि होम आइसोलेशन में आप ठीक हो सकते हैं तो होम आइसोलेशन में रहें, और लगता है आपको कि नहीं आपको अस्पताल जाना है तो हमको सूचना करें, हम लोग आपको अस्पताल में भर्ती कराते हैं। दुर्ग नगर निगम की लापरवाही के चलते एक वृद्ध महिला का पैर पानी सप्लाई के लिए बने बॉल के गड्ढे में जाने से महिला को गंभीर चोटें आई थी, जिसका स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया था। जिसका असर ये हुआ कि निगम के अधिकारियों ने गंभीरता दिखाते हुए उस गड्ढे को तुरंत पाट कर सुविधाजनक बनाने का कार्य शुरू कर दिया। दुर्ग नगर निगम की अनदेखी और लापरवाही के चलते शनिवार को दुर्ग के अग्रसेन चौक पर एक वृद्ध महिला का पैर गड्ढे में गिर जाने से महिला के पैर में गंभीर चोटें आई थी, जिसे महिला के पैर में राड घुस गया था, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाल जिला अस्पताल इलाज के लिए भिजवा दिया गया। इस संवेदनशील घटना के बाद निगम प्रशासन हरकत में आया, जिसके चलते अग्रसेन चौक स्थित पानी सप्लाई के लिए बनाए गए गड्ढों को पूरी तरह से बंद कर सुविधाजनक कर दिया गया। गौरतलब है कि दुर्ग शहर में हो रहे विकास कार्य के बावजूद शहर की सड़कों और वार्डों में इस तरह की अनियमितता आए दिन उजागर होती रहती है, जिसके बाद भी निगम प्रशासन हरकत में आकर आनन फानन में उस दोषपूर्ण कार्य को गंभीरता से पूरा करता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका खामियाजा शहर की आम जनता को भुगतना पड़ता है। अब देखना होगा कि कितनी गंभीरता के साथ दुर्ग नगर निगम के महापौर, निगम आयुक्त व शहर विधायक शहर की सुंदरता और विकास कार्य पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। इस संबंध में शहर विधायक अरुण बोरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ऐसी स्थिति आनी नहीं चाहिए, इसके लिए हमने अधिकारियों से कहा है। साथ ही साथ जितने जगह गड्ढे हैं उसका भराव किया जाना चाहिए। आयुक्त से मैंने कहा है कि आप ये पूरा एक प्रपोजल बनाएं दुर्ग की सड़कों के बारे में और जाएं, न केवल प्रपोजल बनाएं बल्कि उसका क्रियान्वयन भी करें। PWD के अभी के अधिकारियों से मेरी बात हुई है कि 70 करोड़ का जो रोड बन रहा है, सौंदर्यीकरण, डामरीकरण, यह कार्य भी बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रविवार को लक्ष्मी नगर मार्केट में स्थित जगदम्बा ज्वेलर्स में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसमें दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया, जिसमें संचालक द्वारा लगभग 10 लाख का नुकसान होना बताया गया है। रविवार को लक्ष्मी नगर मार्केट सुपेला में उस समय हड़कंप मच गया जब वहां के जगदम्बा ज्वेलर्स में आग भड़क उठी। दुकान संचालक द्वारा महज 6 दिनों से ही दुकान का संचालन किया जा रहा था। ये दुकान पहले किसी अन्यत्र जगह पर स्थापित थी और संचालक ने महज 6 दिन पहले ही अपने कारोबार को इस दुकान में शिफ्ट किया था, परंतु दुकान संचालक की बदकिस्मती ही कहिए कि दुकान में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। जब तक दुकान संचालक आग बुझाने के लिए कुछ कर पाता, उससे पहले गैस से भरा सिलेंडर, जिसे वे घर ले जाना चाहते थे, वह भी अचानक फट पड़ा और इस आगजनी में दुकान संचालक का सब कुछ जलकर राख हो गया। दुकान संचालक द्वारा लाखों रुपए से ऊपर का नुकसान होने की बात कही गई है और इस आगजनी में उनका सब कुछ बर्बाद हो गया है। मेरा नाम राहुल सोनी है। राहुल जी, आपके दुकान में आग लगी, किस तरह से लगी आग और कितना नुकसान हुआ? मेरे दुकान में आग लगी, 10-11 बार लगभग नुकसान हो चुका है मेरा, और आग जल लगी, अचानक से आग पकड़ ली। मैं उसको बुझाने के लिए बहुत कोशिश किया, उसकी चक्कर में हाथ और चेहरा पूरा जल गया, और उसको बुझाते मैं नहीं बुझा पाया तो मैं पिताजी बोले कि चलो हटो, खींच के बुलाए, तो अब हो गया जो होना था। अब पूरा मैं दुकान के सामान छिटा गया। जब घर ले जाने, जब सिलेंडर में रखा था वहाँ पर, तो सिलेंडर को मैं पर्ची कटा के लाया था, मैं बोला कि मैं ला कर मैं रख देता हूँ, घर लेके जाऊँगा, और वो घर जाकर रखा तो मैं उसको मैं
उसमें भी धीरे से मतलब पकड़ लिया। अब उसके पकड़ने चक्कर में मेरे लोग खींच के लाए, अब मतलब कुछ आधा घंटा बाद वो भी ब्लास्ट हो गया। तो अभी शासन प्रशासन से क्या क्या मदद चाह रहे हैं? मैं सर मैं उसको मैं 10 साल से बहुत मेहनत किया था उस दुकान में, मेहनत करके बहुत मैं उसको मैं लाला के मैं सजाया था, वो एक भी कुछ हाथ में नहीं मिला, सब सब उड़ गया। वो कितने दिन हुए थे दुकान खोले? मैं दुकान में खोले मेरे 10 साल होता, दुकान को मैं दूसरी दुकान में से 4 दुकान बाद चेंज किया था, उसमें आए मेरे को 6 दिन हुआ था। और 6 दिन बाद ये घटना घट गई? 6 दिन बाद ये दुर्घटना ऐसा हो गया, अचानक से कुछ समझ ही नहीं आया क्या हो गया क्या नहीं हुआ। अब मैं मेरे होश ही नहीं था मेरा, तो वहाँ पर तो ऐसा टाइप के हो गया। फायर ब्रिगेड कितने कितने समय बाद आई? फायर ब्रिगेड मतलब वहाँ कम से कम आधा एक घंटा बाद ही आई, मतलब 1 घंटा बाद ही आई। मतलब फायर ब्रिगेड लेट आया? नहीं नहीं आधा घंटा बाद ही आ गया वो, मतलब छत का जली रहा था नीचे, तो हम लोग बुझा चुके थे पानी फेंक कर, लेकिन दोस्तों मेरा हालत ख़राब हो गया था कि मैं अब कैसे क्या करूँगा, मेरे पास तो इतनी बुरा वक्त आ गया कि अब मेरे को कुछ काम धंधा ही नहीं मेरे पास, तो मैं क्या करूँ मैं समझ में नहीं आ रहा मेरे को। सुपेला थाने में इस मामले की विवेचना कर रहे विवेचक ने घटना की जानकारी दी एवं सुपेला थाना पुलिस के द्वारा ये भी प्रयास किया जा रहा है कि पीड़ित दुकान संचालक को कुछ मुआवजा दिलाया जा सके। कल दिनांक 9/1/2000 के लगभग 2 बजे का दिन की बात है कि लस्सी मार्केट सुपेला में स्थित जगदम्बा ज्वेलर्स में दुकान में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग जल गए, जिसे वहाँ पर रखे घर ले जाने के लिए घरेलू गैस उसमें अचानक आग पकड़ लेने से सोना चांदी के जेवरात और फर्नीचर वगैरह इत्यादि दस्तावेज जल गया है, जिससे नुकसान हो गया है और जिस पर आसपास के लोगों द्वारा बुझाया गया और फायर ब्रिगेड के द्वारा भी बुझाया गया, जिस पर काबू पा लिया गया है। अभी उस पर अभी जाँच की जा रही है, जांच जारी है। प्रार्थी द्वारा कितने का नुकसान बताया गया? प्रार्थी द्वारा अभी तक के नुकसानी में 10 लाख का नुकसान बताया गया है। जगदम्बा ज्वेलर्स के संचालक राहुल सोनी ने भी अपने दुकान को बचाने के लिए काफी संघर्ष किया, जिसमें उनका चेहरा और हाथ झुलस गया है। मौके पर पहुंचे दमकल की टीम ने आग पर तो काबू पाया, पर उस समय तक राहुल सोनी अपना सब कुछ गंवा चुके थे। देखना होगा कि सुपेला पुलिस द्वारा मामले की विवेचना करते हुए दुकान संचालक को कितना मुआवजा दिलाया जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते आप लोगों को फिर याद दिलाना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमण का दौर फिर से शुरू हो गया है, ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।